सब्सक्राइब टू अवर चैनल सनशाइन स्टडी, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। तो आज मैं बात करूंगी एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए आपके क्या प्रिपरेशन और रहनी चाहिए, कट ऑफ के अकॉर्डिंग कैसे अटेम्प्ट आपको करके आने। तो 2020 की कट ऑफ है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जो एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड है। सो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा, राइट। और ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अभी हाल ही में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट पोस्ट का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इसका एडमिट कार्ड आउट होने का एक और रीज़न है। क्या रीज़न है कि इसमें बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। पहली बात, इतने बच्चे अप्लाई करते हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। बट अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन कर दिया है, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका पोस्टपोन कर दिया है। सो ये दोनों एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इन दोनों में अप्लाई करते हैं, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस के जितने बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो गया है कि एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो भी आपका कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम आ जाएगा, तो यहाँ पे आप खुद सोचो, अगर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा तो जो ये वीक है, ठीक है, इस वीक में आपका जैसे आज सैटरडे है, सैटरडे से थर्सडे तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अगर फर्स्ट वीक में जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपका थर्सडे या संडे तक आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपके जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। वरना एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका पोस्टपोन होने की चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये तो कर ली हमने प्री के एग्ज़ाम डेट की बात, अब कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस बार के एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड की जो कट ऑफ है ये प्रीलिम्स का है, राइट, प्रीलिम्स का है। सो 69.75 है जनरल की, तो आप आगे पीछे देख सकते हो 5-8 मार्क्स पीछे बाकी कैटेगरी के लिए। बट हम जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे क्योंकि जनरल की फाइट करोगे तो आपको सारे कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे, राइट। सो 69.75 यहाँ पे उत्तराखंड की कट ऑफ है, यानी कि अटेम्प्ट कितने चाहिए आपको, अटेम्प्ट चाहिए आपको 75+। अगर 69.75 उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड के लिए 75+ अटेम्प्ट चाहिए जनरल वालों को, राइट। गुजरात की यहाँ देख लेते हैं 66.75, जो कि कम है, राइट। तो यहाँ पे फिर भी इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एनरोल हुई है, राइट। तो हम उस बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 65+ अटेम्प्ट करके आने हैं गुजरात के स्टूडेंट जनरल के लिए, राइट। मध्य प्रदेश का देख लेते हैं 68.75, यानी कि अगेन आपको 72+ या 75+ अटेम्प्ट करना है। झारखंड का भी आपका सेम है, 75+ अटेम्प्ट इसमें करने हैं आपको। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 71 है, यानी कि इसमें तो आपको कितने करने हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। सो यहाँ पे एटलीस्ट 80 टच करके आओ, राइट, जनरल के लिए बता रही हूँ, 80 टच करके आओ। बाकी जो कैटेगरी हैं वो आपके 70 के अराउंड आप लोग कर सकते हो, राइट, अटेम्प्ट। अब आता है पंजाब, पंजाब में 77 हाईएस्ट कट ऑफ है पंजाब में। तो देखिए आप कंपटीशन कितना ज़्यादा था लास्ट टाइम भी आपकी 77, यानी कि अगर आप 80 करके आओगे, एक आध दो क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो यहाँ पे भी 80 में भी खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करो 80 से 82 अटेम्प्ट कर ले जाओ, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी और इतना ज़्यादा अपनी स्पीड रख लो कि यहाँ से 80 से 82 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए आप मॉक टेस्ट करो एंड आपका स्पीड थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में है 62 जो कि एवरेज है, तो इसके लिए मैं बोलूँगी 70 के आसपास अटेम्प्ट अच्छे रहेंगे।
राजस्थान का देख लेते हैं, 68.75, अगेन यहाँ पे 72 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए। दिल्ली का 76, उत्तराखंड और दिल्ली इसमें हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है, और यूपी में भी राइट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें आपका 80 टच करके आना है। चंडीगढ़ का देख लेते हैं 76, 80, आंध्र प्रदेश 68, 72 प्लस, वेस्ट बंगाल 67.5, 72 प्लस अटेम्प्ट, ओडिशा 68.25, यानी कि 72 प्लस अटेम्प्ट, ठीक है 72 से 75 रहेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 72 इज गुड इनफ, और अगर नहीं है तो 75 से 78 आप कर सकते हो। कर्नाटका 58 पॉइंट, जो कि एवरेज है, तो इसमें आप आराम से 60 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश 66, यानी कि आपका यहाँ पे 72 प्लस जाएगा। केरला 69, इसमें भी आपका 75 प्लस आपको अटेम्प्ट करना है। हरियाणा में भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा है, 80 टच। तेलंगाना की बात करें तो 66 है, यानी कि 75 प्लस अटेम्प्ट। महाराष्ट्र में 59 है, यानी कि इसमें आपका 65 प्लस अटेम्प्ट सेफ रहेंगे। बिहार में 68.75, यानी कि इसमें आपके 75 प्लस अटेम्प्ट सही रहेंगे। छत्तीसगढ़ 68.75, यानी कि इसमें आपके 75 प्लस अटेम्प्ट सही रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको कि कैसे अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। जितनी भी ये कट ऑफ गई है पिछले साल, इससे कम अटेम्प्ट करके आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्लियरली इससे कम अटेम्प्ट करके नहीं आना है, ठीक है। जितना मैंने रेंज बताया तो आप वहाँ तक अपना सेफली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस की कट ऑफ 2020 में, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं मेंस की कट ऑफ। देखिए वेस्ट बंगाल में जनरल की 86 है, ओबी की 69 है, ईडब्ल्यूएस की 70 है, एससी की 65 है, एसटी की 60 है, ठीक है। तो वेरिएशन देख लो, जनरल का सीधा 86 और ओबीसी का 69, फिर ईडब्ल्यूएस का बढ़ गया, एससी का 65 है और एसटी का यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस है बस, है ना। और यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल वालों को अटेम्प्ट कैसे करके आना है, मेंस में 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबकी कट ऑफ देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। उसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया रेंज, आपको 5 से 8 मार्क्स आपको ज़्यादा ही करके आना है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। सो ये आपका स्ट्रैटेजी रहेगी अपना अटेम्प्ट करने की। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और जैसे कि मैंने बताया अगर इस वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, राइट। सो अगर आपने आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, राइट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ, प्लस रीजनिंग एंड क्वांट की क्लासेस भी मेरे चैनल पे होती है, तो आप उनको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।